नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको समर्सिबल मोटर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किर्लोस्कर का 1.5 एचपी का यानी कि 1.5 एचपी का 12 स्टेज का मोटर है। वाटर लिफ्टिंग जो कैपेसिटी है यानी कि पानी जो है ऊपर तक ले जाने का जो क्षमता है इसका, वो 150 फीट से भी ज़्यादा है क्योंकि 12 स्टेज का मोटर है ये। और एक स्टेज दोस्तों लगभग 15 फीट की हाइट पे तक पानी ले जा सकता है। तो अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करना होगा। कंप्लीट जानकारी दूंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए अनबॉक्सिंग करके इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मोटर को पूरी तरह से अनबॉक्स कर दिया मैं। मोटर के साथ में यहाँ पे देखिए ये इसका वारंटी कार्ड है और साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। दो पार्ट में आता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये वाला जो है ये मोटर है, ये वाला किर्लोस्कर का मोटर है और ये वाला इसका हेड है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये पंखी है। दोनों को एक साथ अटैच करना होगा। रोटर इसका देखिए गियर टाइप का दिया हुआ है और किसी किसी में दोस्तों ये सॉफ्ट वाला भी आता है। ये देखिए इस सॉफ्ट में गियर बना हुआ है और किसी किसी में ये दूसरा लॉक नुमा रहता है। तो अभी इसको दोनों को अटैच करना होगा। सबसे पहले ये जाली को खोलेंगे। ये देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पे जगह बना हुआ है, अंदर गियर आके इसमें लॉक हो जाएगा। और ये वाला जो कट है ये केबल के लिए दिया हुआ है। नट को सबसे पहले खोलेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से इसके अंदर जाना चाहिए, ये बैठ चुका है। और इसको घुमा के देख लेना है, जाम तो नहीं है। जाम नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अब नट को टाइट करेंगे। चारों नट को एक साथ टाइट करना है, ऐसा नहीं एक को फुल टाइट करो उसके बाद दूसरे को करो तो ये गलत है। चारों को एक साथ टाइट करेंगे। अब देखिए मोटर और ये पंखी दोनों आपस में फिट हो चुका है। अब ये केबल यहाँ पे निकालेंगे। ये वाला जो दिया हुआ है देखिए ये केबल गार्ड है, इसको यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए समर्सिबल मोटर पूरी तरह से रेडी है इंस्टॉल करने के लिए। इसका जॉइंट भी मैंने लगा दिया। जॉइंट आपने देखा ही है किस तरह से लगाना है। ज़्यादातर जो मोटर है दोस्तों जॉइंट के वजह से ही जलता है। यहाँ पे 3-4 स्टेप में जॉइंट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक टेप, उसके बाद फिर वाटर प्रूफिंग टेप, फिर इलेक्ट्रिक टेप, फिर वाटर प्रूफिंग टेप, फिर इलेक्ट्रिक टेप, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिक टेप लगा के उसके बाद इसको हैंग करेंगे। देखिए पूरी तरह से रेडी है और इसको हम लोग अभी 30 फीट नीचे डालेंगे क्योंकि वाटर लेवल यहाँ का बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये 20 फीट पर वाटर लेवल है और इसका जो वाटर लिफ्टिंग कैपेसिटी है, चढ़ाने का जो क्षमता है, वो 150 फीट से भी ज़्यादा है। देखिए कॉलम पाइप है ये और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए रिड्यूसर यहाँ पे लगाया गया है। ये जो 1.5 एचपी का मोटर है, यहाँ पे इसका जो ये डिलीवरी आउटलेट है पंखी से वो 1.5 इंच था, तो इसको हमने रिड्यूस किया है यहीं से ही, स्टार्टिंग से ही 1.5x1.25 का रिड्यूसर लगा के नीचे यहाँ पे रिड्यूसर लगा है। ये देखिए GI रिड्यूसर है 1.5x1.25 का। उसके बाद ये अडाप्टर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये फीमेल अडाप्टर, मेल फीमेल अडाप्टर यहाँ पे लगा के उसके बाद अब इसको कनेक्ट करेंगे। सपोर्ट वायर आप लगा लेंगे, सपोर्ट वायर के जरिए ही हैंग होता है और निकाला जाता है इसको। देखिए 10 फीट गया ये। अब ये दूसरा पाइप है, ये 20 फीट हो जाएगा।
मज़ा आ रहा है ना। जाने तो जाने दो, वायर के सपोर्ट में, वायर के सहारे। रुको रुको, लो कुछ पकड़ के रखना, छोड़ना मत, नहीं तो जाएगा नीचे। छोड़ दिया तो जाएगा नीचे, 20,000 का मोटर, उसके बाद प्लस ये पाइप का पैसा है कि नहीं, कहो टाइल्स वाले भैया। हाँ हाँ, तब तक जाएगा नहीं, साथ में आसपास में लगे हुए हैं, पकड़ लेंगे। पकड़ो भैया, ये वाला पकड़ो अब। देखिए ये लास्ट पाइप है, ये तीसरा है, 30 फीट जा रहा है नीचे ये। बस जाने दीजिए। अब देखिए समरसिबल मोटर पूरी तरह से नीचे हैंग हो गया है, 30 फीट तक हैंग किया गया है। और देखिए सपोर्ट वायर को यहाँ पे लगा देना है, उसके बाद जो मेल फीमेल वाला जो एडाप्टर आपका GI, वहाँ पे देखिए क्लैंप इस तरह से लगा देना है ताकि मोटर जो है नीचे गिरे ना। सपोर्ट वायर भी है, डबल मजबूती है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1.25x का निप्पल लगा के इस तरह से लगा दिया, पानी यहाँ पे फेंकेगा। कनेक्शन अब आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। स्टार्टर में किलोस्कर का मोटर है और किलोस्कर का स्टार्टर है। वायर देखिए केबल यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, और ये देखिए स्टार्टर अपना यहाँ पे है। ये देखिए ये स्टार्टर है, और ये केबल जो है अपना ये समरसिबल मोटर से आ रहा है RYB, ठीक है। अब रेड वाला मेन होता है, और ये दोनों होता है रोटेशन चेंज करने के लिए, कैपेसिटर इसी में अटैच किया जाता है। 2 कैपेसिटर लगा है स्टार्टर के साथ में मोटर की सेफ्टी के लिए। ये ब्लैक वाला जो है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, उसके बाद ये वाला जो 3650 का है 1.5 HP का मोटर है, क्योंकि ये है रन कैपेसिटर। बहुत ही सेफ्टी के साथ स्टार्टर आता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, 25 एम्पियर तक लोड को ये सहन कर सकेगा। 16 एम्पियर का MCB यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NONC, यहाँ पे 2 स्विच मिलेगा, डिजिटल मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, एम्पियर भी दिखाएगा यानी कि लोड भी दिखाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज भी शो करेगा। उसके बाद कनेक्शन करना मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों आपका मेन सप्लाई आएगा, न्यूट्रल और फेज। बाकी ये जो तीनों टर्मिनल है RYB, इसमें आपका मोटर कनेक्ट होगा। कनेक्शन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए हर स्टार्टर में डायग्राम दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे PN का मतलब फेज, न्यूट्रल सप्लाई, मेन्स जो हो गया। उसके बाद आउटपुट में देखिए मोटर जो कनेक्ट होगा RYB, बस इसी के हिसाब से यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए कनेक्शन यहाँ पे पूरा कनेक्ट हो गया है। ये वाला जो है ये मोटर का वायर है जो मोटर से आ रहा है समरसिबल से, और ये वाला है दोस्तों एज ए मेन सप्लाई, इसको मैंने एज ए मेन सप्लाई लिया हुआ है। ये देखिए अब इसको हम लोग किसी बोर्ड में लगा देंगे, ये चालू हो जाएगा। अब देखिए सप्लाई यहाँ पे आ चुका है, वोल्टेज अभी लो दिखा रहा है, ध्यान रहे लो वोल्टेज पे मोटर को चलाएंगे, मोटर जल जाएगा। 2 समरसिबल यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 164, 165, और इसमें दिखा रहा है 160, तो ये मीटर का फ़र्क है, लेकिन वोल्टेज अभी भी यहाँ पे लो है, तो अगर इस वोल्टेज पे चलाएंगे तो मोटर जल सकता है। फिलहाल देखिए कनेक्शन मेरा कम्प्लीट है, मोटर को स्टार्ट करके इसका प्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। इसको मैं ऑन कर दिया, मोटर मेरा ऑन हो गया है, प्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मोटर ऑन हो गया है, देख सकते हैं किलोस्कर का 1.5 HP का मोटर है, लो वोल्टेज पे चल रहा है, 167 पे चल रहा है यानी कि 165 वोल्ट पे चल रहा है। देख सकते हैं प्रेशर यहाँ पे इसका, ठीक है। ये देखिए वोल्टेज 220 आएगा तो और भी ज़्यादा प्रेशर देगा। ध्यान रहे जब अगर नया बोर हुआ है, बोर यानी साफ नहीं हुआ है, तो मोटर को अगर आप चलाते हैं तो इसको कंटिन्यू चलने देना है 5 से 7 मिनट तक, अदरवाइज जो रोटर है ना मोटर का पंखी वो जाम हो सकता है। लेकिन अभी ये जो बोर है ये क्लीन हो चुका था पहले से ही, देखिए पूरा साफ पानी आ रहा है,
प्रेशर इसका बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं लो वोल्टेज पर अभी ये चल रहा है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टर में ये पावर कंजप्शन कितना ले रहा है। मोटर ऑन होने के बाद देखिए वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, 158 आ रहा है, यानी कि 160 एम्पियर 10.2 एम्पियर लेके चल रहा है, तो बिल्कुल सही है ये। वोल्टेज अभी लो है तो एम्पियर में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे एम्पियर बढ़ के दिखाएगा, और अगर वोल्टेज सही आता है तो एम्पियर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। ये यहाँ पे 9 से 10 एम्पियर के बीच में चलना चाहिए, और अगर 10 से ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, 12 एम्पियर, तो आपको समझना है कि मोटर में कुछ फॉल्ट है, पंखी वगैरह जाम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 10 एम्पियर लेके चल रहा है, बिल्कुल सही है ये। प्रेशर भी मैंने आपको दिखाया सही है, देखिए प्रेशर यहाँ पे अच्छा है, 10 एम्पियर लेके चल रहा है ये। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि समरसेबल मोटर को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।